press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एम। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग को ट्रिम कैसे करें। आप कॉल रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से को कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको ऑडियो MP3 कटर के नेम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको फर्स्ट में ट्रिम ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पर आपको अपने मोबाइल के सारे MP3 फाइल्स मिल जाएंगे और आप ऊपर की तरफ से MP3 फाइल को सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड में ऊपर की तरफ फोल्डर वाले आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपके मोबाइल के सारे MP3 फोल्डर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली कॉल रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर आपको उस कॉल रिकॉर्डिंग को सेलेक्ट करना है जिसको भी आप ट्रिम करना चाहते हैं। जिसके बाद स्क्रीन पर आपको दो अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो वह आपको नीचे वाले पॉइंट को वहाँ पर सेट करना है जहाँ पर आप कॉल रिकॉर्डिंग को एंड करना चाहते हैं और ऊपर वाले पॉइंट को वहाँ पर सेट कर लेना है जहाँ पर आप कॉल रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ ऊपर की तरफ आपको टाइमर भी मिल जाएगा जहाँ पर आप टाइम के हिसाब से अपने एंडिंग और स्टार्टिंग पार्ट को सेट कर सकते हैं। तो मैं अपने एंडिंग वाले पार्ट को 1:45 पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद आपको नीचे की तरफ प्ले का भी ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर प्ले करके इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन भी सकते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ आपको स्टार्ट और एंड दो अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, जिस पर जाने के बाद आप सेकेंड्स के जरिए भी कॉल रिकॉर्डिंग को ट्रिम कर सकते हैं। और ट्रिम करने के बाद ऊपर की तरफ ट्रिम वाले ऑप्शन भी क्लिक करना है, जिसके बाद आपको फाइल नेम सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस कॉल रिकॉर्डिंग के नेम को सेट कर लेता हूँ। और जैसा ही नीचे की तरफ ओके वाले ऑप्शन भी क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रिम कॉल रिकॉर्डिंग आपके फाइल मैनेजर पर सेव हो जाएगी और यहाँ पर आपको उसका फाइल लोकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर आप प्ले वाले बटन पर क्लिक करके कॉल रिकॉर्डिंग को प्ले भी कर सकते हैं।